आज इस वीडियो में हम चार पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले पैटर्न पे हम लोगों ने तीन वीडियो पहले ही लॉन्च कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देखिए ये प्रॉब्लम जो भी आपको दिख रही है काफ़ी आसान लग जाएगी अगर आपने पुराने तीन वीडियो देखें तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम है आ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ फिगर दिखे आप उसे दो तीन चार पार्ट्स में ब्रेक करके देखो आपको आसान लगने लगेगी यहाँ पे देखो ये जो पहली प्रॉब्लम है ये एक तो ये पार्ट हो गया एक तो ये पार्ट हो गया वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक ये एक ये और देन इसी का उल्टा और यहाँ पे आप देखो स्पेस यहाँ पे कितने का स्पेस है यहाँ पे आपको दो का स्पेस है वन टू थ्री फोर का स्पेस है देन वन टू थ्री फ़ोर फाइव सिक्स का स्पेस है और इसके नीचे एट का स्पेस है और सेम इसका रिवर्स नीचे है तो ये काफ़ी आसान है और ये एन इज़ इक्वल टू आपके फाइव के लिए ये आपका फिगर है तो इसका कोड हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्टार पैटर्न बहुत बाहर प्रिंट करा लिया है अगर अभी आपको समझ दिया आया कुछ भी इसमें तो कमेंट में ज़रूर लिख देना तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग सबसे पहले एन इज इक्वल टू फाइव ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज देखो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि एन इज इक्वल टू एन बार लूप चलाओ और एन बार दो बार लूप चला दो दूसरी कंडीशन हो सकती है आपने सिर्फ एक बार टू एन का लूप चलाया है तो ये आपकी मर्जी आप कैसे इस कोड को करना चाहते हो हम लोग इसे टू एन का लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इन रेंज ट्वाइस ऑफ एन हर बार जो मेरा होना है वो क्या होना है पहले तो मुझे ये वाला प्रिंट कराना है और एक और चीज़ याद रखना ये जो ऊपर वाला फेस है और ये नीचे वाला दो पार्ट है इसमें ऊपर वाला तब आएगा जब आई की वैल्यू लेस देन मेरी एन होगी और नीचे वाला तब आएगा जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू एन होगी ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सो आई लेस देन या फॉर अपर पार्ट फॉर अपर पार्ट लेट्स राइट फॉर जे इन रेंज और हाँ पहले मैं कंडीशन लगानी पड़ेगी ऊपर वाले पार्ट के लिए तो इफ़ आई लेस देन एन देन हम ऊपर वाला पार्ट प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले पांच बार प्रिंट कराना है देन चार तीन दो एक तो सबसे पहले जो जे लूप चलेगा वो पांच बार यानी एन बार और एन को चेंज भी करना है इसलिए एन माइनस आई कर देते हैं प्रिंट हर बार स्टार प्रिंट कराते हैं इससे एंड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट लगा देते हैं तो आप देख सकते हो पहला वाला पार्ट प्रिंट हो गया अब दूसरा वाला पार्ट हमें स्पेसिस प्रिंट कराने इसमें देखो पहली बार में ज़ीरो स्पेस है देन दो चार छ यानी ज़ीरो इंडेक्स के लिए आपका ज़ीरो स्पेस है वन इंडेक्स के लिए आपका टू स्पेस है देन टू इंडेक्स के लिए आपका फोर स्पेस है और एंड सो ऑन तो ये तो सिंपल है यानी हमें एक लूप चलाना है फॉर जे इन रेंज टॉइस ऑफ आई पहली बार में आई जीरो होगा तो एक भी बार स्पेस नहीं प्रिंट होगा फिलहाल स्पेस के लिए जहाँ पे स्पेस की जगह पे ये लिख देते हैं ओके okay. तो ये वाला पार्ट हो गया ना ये जो तीसरा पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं है बस उसका रिवर्स है और रिवर्स भी नहीं है एक्चुअली सेम ही कोड है पाँच, चार तीन तो इसी कोड को अगर हम कॉपी पेस्ट कर दें यहां पे, तो मेरा अपर वाला पार्ट बन गया और इसको स्पेस कर देते हैं ठीक है तो मेरा अपर वाला पार्ट बन गया अब बारी है लोअर वाले पार्ट की तो लोअर वाला पार्ट मेरा एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में वापस से वही चीज़ पहले इंक्रीज होना है तो इंक्रीज होने वाला कोड लिख लेते हैं फॉर जे इन रेंज ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर मैं यहाँ पे एन माइनस आई लेता हूँ तो क्या होगा आई की वैल्यू एल्स पार्ट में कितनी हो चुकी है आई की वैल्यू एल्स पार्ट में अपर वाले पार्ट में कितनी आई की वैल्यू लेस देन एन है और नीचे वाला जो एल्स है यहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ऑलरेडी एन हो चुकी है तो अगर मैं यहाँ पे एन माइनस करूँगा तो ये मुझे एरर देने वाला है तो यहाँ पे मैं आई लिख दूँगा अब अगर मैं आपको प्रिंट कराऊँ तो आप देखो कुछ ज़्यादा ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि आई पहली बार में यहाँ पर एन है अगर मैं आई में से एन घटा देता हूँ तो पहली बार में आपको ज़ीरो मिल जाएगा क्योंकि आई यहाँ पर एन हो चुका है पर अगर मैं यहाँ पर प्लस वन ऐड कर देता हूँ तो आप देखोगे वन टू थ्री फोर और फाइव ये कोड हो गया अब दूसरा कोड हमें स्पेस के साथ लिखना है एट का ओके टू फोर सिक्स और एट और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा अगर मैं आई में से यहाँ पे एन घटा दूँ ये वैल्यू पहली बार में ज़ीरो हो जाएगी हमें पहली बार में चार तक पहुँचाना है तो अगर हम इससे टू एन से कुछ कंपेयर करें ट्वाइस ऑफ एन और माइनस आई ट्वाइस ऑफ एन कितना हो गया टेन हो गया टेन माइनस आई की वैल्यू भी एन है फाइव है टेन माइनस फाइव फाइव और ये टेन हो जाएगा मुझे एट करना है तो एक और माइनस कर देते हैं तो आप देखो आपका ये भी हो गया और लास्ट वाला यही चीज़ है इसी को कॉपी एंड पेस्ट ओके एंड लेट्स रिप्लेस विथ स्पेस तो आप देखो हमारा पहला पैटर्न प्रिंट हो गया अब आप जितनी बार भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हो सकता है कि आपने आज कुछ और जैसे मैंने हो सकता है आज कुछ और तरीका यूज किया हो सकता है अगली बार जब तो मैं सेम प्रॉब्लम को करूं तो मैं दूसरा तरीका यूज करूं क्योंकि उस टाइम पर जो आपको स्ट्राइक करेगा आप उस सोल्यूशन पे जाओगे अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्या ऐसी ही प्रॉब्लम है ओके बस इसमें चेंज ये है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन यहाँ पे एन इज इक्वल टू फाइव पे नंबर ऑफ रोज आपकी नाइन है फाइव पे नंबर ऑफ रोज आपकी नाइन है यानी फाइव इंटू टू माइनस वन यानी एन इंटू टू माइनस वन इतनी बार लूप चल रहा है मेरा और ये जो सल ये जो क्वेश्चन है ये पहली प्रॉब्लम जैसा ही है बस इस चीज़ को रोटेट कर दिया गया और इस चीज़ को नीचे से रोटेट कर दिया गया तो इसका भी कोड जल्दी से लिख लेते हैं और वापस से सारा कोड लिख लेते हैं जितनी बार लिखेंगे उतनी बार अच्छा है फॉर आई इन रेंज टॉइस ऑफ एन माइनस वन ओके उसके अंदर मुझे फिर यहाँ पे दो कंडीशन है अगर आई की वैल्यू लेस देन एन है जो कि मेरा ये वाला पार्ट है वन टू थ्री फोर फोर एंड देन फाइव यानी आई की वैल्यू लेस देन एन में हम ऊपर वाला देखेंगे आई क्यू वैल्यू ग्रेटर देन एन में हम नीचे वाला पार्ट देखेंगे ये वाला पार्ट तो आई क्यू एल्यू लेस देन एन पे हमें ऊपर वाला पार्ट देखना है ऊपर वाले पार्ट पे पहले वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे प्रिंट कराना है तो फोर जे इन रेंज आई प्लस वन प्रिंट स्टार क्योंकि स्टार में बढ़ाना भी है ओके और हर बार प्रिंट यहाँ पे प्रिंट पे कराना है तो आप देख सकते हो आपके स्टार सारे बढ़ रहे हैं अगला हम बात करेंगे स्पेस की स्पेस वैसा ही है तो यहाँ पे हमें स्पेस जो चाहिए वो फॉर जे इन रेंज और स्पेस हमें कितना चाहिए यहाँ पे देखो आप पहले के लिए मेरे पास आठ स्पेस चाहिए आखिरी वाले के लिए ज़ीरो स्पेस चाहिए यानी जब मेरा एन हो जाएगा या मैं कहूँ लेस देन एन हो जाएगा और इस केस में आपको जीरो स्पेस चाहिए पहले में आठ स्पेस चाहिए आई की वैल्यू पहले आपकी जीरो है स्पेस हमें आठ चाहिए एन माइनस आई करो अगर तो आपको पाँच मिलेगा एन माइनस आई की वैल्यू एन की वैल्यू पाँच है आई की वैल्यू जीरो है आप एन माइनस आई माइनस वन करो तो आपका सही हो जाएगा तो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्राई करके सोचना पड़ेगा एन माइनस आई माइनस वन इसको अगर आप दो से मल्टीप्लाई करो और प्रिंट लेट्स End space. तो आप देखोगे आपका स्पेस वैसा ही प्रिंट हो रहा है नाउ सेम कोड ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट करना है फॉर द एंड पैटर्न तो आप देखोगे आपका राइट right साइड वाला बन गया अब एल्स पार्ट में आते हैं जहां पे आई की वैल्यू एन हो चुकी है ये नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट में पहले चार है तीन है दो है एक है यानी हमें ऐसा वैल्यू रखना है जो घट रहा हो और याद रखना यहाँ पे आई की वैल्यू एन हो चुकी है हमें इसमें आई की वैल्यू एन के लिए हमें जो कि फ़ाइव है हमें इसमें फ़ोर करना है यानी एन माइनस वन बार चलाना है तो कोई ऐसी चीज़ जो कि घट रही हो तो टू एन से क्या कुछ देख सकते हैं टू एन माइनस आई टू एन माइनस आई कितना होगा आई की वैल्यू एन है तो टू एन माइनस एन मेरा एन हो जाएगा हमें एन माइनस वन बार चाहिए तो टू एन माइनस आई माइनस वन बार चला लेते पार्ट तो में for और क्या लिखा था हमने टू एन माइनस आई माइनस वन टू इन टू एन माइनस आई माइनस वन लेट्स प्रिंट स्टार एंड स्पेस ओके तो फोर थ्री टू एंड वन Now, इसके बाद हमें स्पेस प्रिंट कराने हैं स्पेस भी कुछ वैसा ही है सबसे पहले हमें चाहिए दो स्पेस फिर चार फिर फिर आठ। स्पेस भी हमारा यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है तो हमें कुछ लूप ऐसा चलाना होगा जो चीज़ बढ़ रहा हो तो बढ़ेगा कैसे जो मेरा आई है आई में से अगर मैं एन माइनस करूँ तो जब आई बढ़ेगा तो आई माइनस एन भी यहाँ पे बढ़ेगा ओके आई की वैल्यू अभी कितनी है आई की वैल्यू इस समय एन पे है पहली बार में और पहली बार में हमें कितने का चाहिए हमें चाहिए यहाँ पे दो का यानी आई माइनस एन अभी यहाँ पे जीरो आ रहा है हमें इसे प्लस वन कर देना है ताकि पहली बार में वन तक पहुँच जाए इंटू टू और प्रिंट दिस वैल्यू एंड तो आप देखो ये वाला पार्ट भी प्रिंट हो गया अब दिस पार्ट विल बी सेम एस दिस वन देखो फाइनली हमने ये पूरा कोड कर लिया इसकी जगह पे स्पेस कर देते हैं और यहाँ पे भी स्पेस कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन देखो आपका प्रिंट हो गया सेकेंड वाला पैटर्न भी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पैटर्न यर एंड विल बी फोर तो यहाँ पे देखो सिर्फ बाउंड्रीज़ पे आपके स्टार हैं और बाकी जगहों पे आपका स्पेस है आई की वैल्यू अगर देखो तो ज़ीरो वन टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री तो आप देखो जब भी आपकी आई की वैल्यू ज़ीरो है या फिर आई की वैल्यू एन माइनस वन है ये मुझे स्टार दे रहा है या फिर जब भी जे की वैल्यू जीरो है या फिर जे की वैल्यू एन माइनस वन है ये मुझे तब भी स्टार दे रहा है और बाकी जगह पे मुझे ये स्पेस दे रहा है तो क्या हम अंदर वाली लूप पे एक कंडीशन लगा लें उससे हो जाएगा लेट्स ट्राई एंड एन की वैल्यू फोर पे कर रहे हैं तो पहला लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज एन पे नाउ सेकंड एक और लूप चलना है मेरा और दूसरा लूप भी मेरा एन बार चलेगा तो फॉर जे इन रेंज ये भी एन बार चलेगा जितने रोते कॉलम अगर i मेरा बराबर है जीरो के या फिर i मेरा बराबर है n माइनस वन के या फिर j मेरा बराबर है जीरो के या फिर j मेरा बराबर है n माइनस वन के उन सभी जगहों पे मैं स्टार प्रिंट करूंगा एल्स I will print space and end is equal to this। इसके बाहर प्रिंट कर देते हैं रन करते हैं ओके okay, सो so हमारे solution ये भी आ चुका है एन इजिकल टू फाइव पे भी आप ट्राई कर सकते हो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है सेम अब लास्ट क्वेश्चन है सो लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ओके okay. इसमें क्या बोल रहा है कि एन के वैल्यू फोर पे ये आपका फिगर दिया हुआ है अगर मैं रो नंबर बोलूँ तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स अगर मैं बात करूँ कि एन की वैल्यू फोर पे ये छः बार है यानी टू इंटू एन माइनस टू ये इंडेक्स है और टोटल रो कितनी है सात हैं, तो टू इंटू एन माइनस वन इतनी रोज हैं और जीरो से लेकर टू एन माइनस टू तक ये लाई कर रहा है ठीक है अगर मैं बात करूं कि जीरो वन टू इधर है फोर फाइव सिक्स इधर है ये वाला जो है ये बीच का है तो कुछ ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट ये चारों मुझे अलग अलग दिख रहे हैं अब इस कॉलम के लिए सारी वैल्यू फोर है और इस रो के लिए सारी वैल्यू फोर है यहां बात करें जब मेरा कॉलम वन है तो मेरी सारी वैल्यू थ्री है पर ये वैल्यू नहीं क्योंकि यहां पे रो जीरो है और ये वैल्यू नहीं क्योंकि यहाँ पे रो सिक्स है यानी जीरो पे सिक्स पे एक जैसा कुछ हो रहा है वन पे फाइव पे कुछ एक जैसा हो रहा है टू पे और फोर पे कुछ एक जैसा हो रहा है यानी अगर मैं यहाँ से रिलेशन बनाऊँ अगर मैं इसे आई मानू तो इसे बोलूंगा ट्वाइस ऑफ एन माइनस टू क्योंकि ये आखिरी वाला इंडेक्स टू एन माइनस टू है जो भी मैंने निकाला है यहाँ पे माइनस आई तो आई की वैल्यू जीरो होगी तो ये सिक्स देगा आई क्यू एलो वन पे इधर वाला फाइव देगा आई क्यू एलो टू पे इधर वाला फोर देगा और सेम मैं जे के लिए कर सकता हूँ जीरो सिक्स वन फाइव टू फोर एंड थ्री ठीक है तो एक जे होगा तो दूसरा ट्वाइस ऑफ एन माइनस टू माइनस जे इसका मतलब जो जे पे काम हो रहा है वही काम इस पे हो रहा है जो रो नंबर आई के लिए हो रहा है वही काम रो नंबर टू एन माइनस टू माइनस आई भी हो रहा है यहाँ तक तो समझ में आ गया अब मेरा काम क्या हो रहा है कि अगर कोई मेरा रो है जो जीरो है कॉलम जीरो है तो जीरो पे मेरी सारी वैल्यू फोर दे रहा है और यहां पे आप देखो कि हर जगह जो रो नंबर है वो कम है कॉलम से यहां पे अगर देखो आप तो कॉलम की वैल्यू आपकी वन है जीरो है रो की वैल्यू आपकी वन है तो यहाँ पे भी कॉलम के हिसाब से हो रहा है इसीलिए यहाँ पे भी फोर आ रहा है इस जगह पे देखो आप तो रो और कॉलम दोनों वन है मिनिमम भी मेरा वन है तो वन पे मेरा थ्री दे रहा है ठीक है यहाँ पे देखो मेरा रो छोटी है वन है कॉलम टू है तो वन कॉमर टू छोटे के हिसाब से दे वन के हिसाब से दे रहा है यानी जीरो पे फोर देगा वन पे थ्री देगा टू पे टू देगा और थ्री पे वन देगा और ये राइट वाली वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं मिनिमम ले रहे हैं रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर यहां तक समझ में आ रही है ठीक है तो ऊपर वाले पार्ट के लिए तो समझ में आ गया ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहां पे, तो आपका कॉलम जीरो है रोज रो कुछ भी है तो जीरो के हिसाब से हो रहा है समझ में आ रहा है बात इस जगह पे आपका कॉलम वन है रो दिस है अगला क्वेश्चन ये दिमाग में उठ रहा है कि ये वन है और ये सिक्स है तो होना तो वन के हिसाब से चाहिए था और वन पे हमारी थ्री वैल्यू दे रहा है बट यहाँ पे फोर क्यों आ रहा है तो अगर आप सिक्स के बारे में देखो तो सिक्स को अगर मैं लिखूँ टू एन माइनस टू माइनस सिक्स तो ये क्या होगा ये होगा एट माइनस टू सिक्स माइनस सॉरी एट माइनस टू सिक्स एंड सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो ओके तो जो मेरा ज़ीरो है वही मेरा सिक्स है यानी मुझे मिनिमम ऑफ आई कॉमर टू एन माइनस टू माइनस आई लेना है मिनिमम ऑफ जे कॉमर टू एन माइनस टू माइनस जे लेना है तो देखोगे आप जो काम फर्स्ट रो कर पा रही है वही काम फिफ्थ रो भी कर पा रही है तो ट्राई करते हैं इसका कोड लिखने की थोड़ा सा टफ तो है इसका कोड लेट्स राइट फॉर आई इन रेंज टू इन टू एन माइनस वन बार चलना है सेकेंड अगर मैं कॉलम चलाऊँ तो फॉर जे इन रेंज ये भी ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन चलना है अगर मैं रो की बात करूँ तो मिनिमम ऑफ आई कॉमा टोइस ऑफ एन माइनस टू माइनस आई कॉलम की बात करूँ मैं तो मिनिमम ऑफ जे कॉमा टोइस ऑफ एन माइनस टू माइनस जे और चल कैसे रहा है रो और कॉलम में से जो मिनिमम होगा उसके हिसाब से चल रहा है तो प्रिंट या मैं अगर यहाँ पे आंसर लिख दूँ मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलन ये मेरा आंसर हो गया है और एंड इज़ इक्वल टू दिस लेट्स प्रिंट दिस ओके तो यहाँ पे ज़ीरो वन टू आ रहा है ठीक है लाना हमें ज़ीरो नहीं लाना यहाँ पे फोर लाना है और जहाँ पे मेरा थ्री आ रहा है वहाँ पे वन लाना है ज़ीरो पे मुझे फ़ोर लाना है तो अगर मैं इसे एन माइनस ज़ीरो कर दूं, तो ये मेरा फोर आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा नाउ एन माइनस आंसर फोर थ्री टू वन सो फाइनली हमने चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो लास्ट वाली थी ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं आप पहली बार में ऐसा कोई सीक्वेंस मिले तो आप इससे समझ जाओ और अगर मेरी भी बात करो तो मैं ये प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ इस वजह से मुझे इसका पैटर्न मिल गया ज़रूरी नहीं अगर आप पहली बार सॉल्व करो तो आपको ये पैटर्न मिल जाए बट ट्राई करते हैं हम कि कैसे सोच डेवलप कर सके अगर आप किसी नई प्रॉब्लम को अप्रोच करो तो प्रॉब्लम अप्रोच करना सिंपल है हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कि थ्री पे क्या आ रहा है फ़ोर पे क्या आ रहा है लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और जितना हो पाए उतना करते हैं पहले तो सपोज़ मेरा आंसर पहले यहाँ पे जीरो वन टू प्रिंट हो रहा था बट बाद में हमने उसे एन माइनस आई करके फोर थ्री टू वन प्रिंट करा लिया तो जितना छोटे छोटे पार्ट में हम करेंगे उतना अच्छा होगा आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको ये कोड समझ में आया कि नहीं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय